एंड 300 की स्पीड से ना हेलमेट के ये हाल नहीं होता है। नहीं होता। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कैमरा मिलता है तो आप प्लीज वो चिप हमें दे दीजिए, एड्रेस वगैरह सब आप। ठीक, अगर 300 का एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होते। देखो भाई पूरा स्ट्रैप गायब है, अगर आप देख सकते हो ना इसमें से पूरा माउंट का स्ट्रैप गायब है। तो भाई गाइस देखो जो मेरे को पता चला है और जो अपडेट मिला है पुलिस का और आमिर का, दोनों का कहना है कि एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था। तो यार अगर एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था तो फैमिली को 1 बजे क्यों कॉल करके क्यों बताएगा? उसके 360 और GoPro 11 ठीक है, दोनों ही कैमरे। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा प्रोवाइडर 1000 भाई हमें छोड़ के जा चुका है, और भाई यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आ रही है कि वो 300 की स्पीड में चला रहा था गाड़ी, वो गाड़ी ऐसे चला रहा था वैसे। भाई वो 300 की स्पीड में कोई गाड़ी नहीं चला रहा था, और हमारे उसके पापा जी से बात हुई है और आपको हम उसका हेलमेट भी दिखाएंगे कि उसके हेलमेट की हालत क्या हो रखी है। तो भाई ये वाली जो क्लिप से ये चेक करना, लेकिन ये चेक करने से पहले मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि हम लोग जो है ना उसकी राइड पे गए थे, लास्ट राइड पे हम लोग हरिद्वार गए थे, हमें लगा कि जो लोग उसके साथ राइड करते हैं सारे के सारे लोग वहां पर आने वाले हैं, बट उनमें से एक भी बंदा नहीं था, एक था उनमें से सिर्फ अलबाब भाई। वहां पर बहुत उनकी हालत खराब थी, हमने ब्लॉग शूट करने के हम पर्पज से गए ही नहीं थे। वहाँ अंकल से हमारी बात हुई, अंकल ने बोला कि भाई कुछ शूट करो और बताओ लोगों को कि मेरा जो बेटा है वो 300 की स्पीड पे गाड़ी नहीं चला रहा था। उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव जो है ना उसके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव ब्लॉग्स लोग बना रहे हैं कि 300 की स्पीड, भाई 300 की स्पीड में गाड़ी नहीं थी यार, क्योंकि अगर 300 की स्पीड में गाड़ी होती ना तो गाड़ी का जो इंजन है ना वो 2 किलोमीटर दूर जाके गिरता। तो भाई कोई मतलब 90 से 100 किलोमीटर के बीच में गाड़ी की रफ्तार। आपने यूट्यूब पे बहुत सारे क्लिप्स देखे होंगे और ये आप चेक कर सकते हो, ये वाला क्लिप आप बाइक का, अगर ये 300 की स्पीड में होती तो भाई इसके परखच्चे उड़ जाते। तो भाई खैर ये वाली बातें छोड़ो और मैं आपको दिखाता हूँ कि अंकल से हमारी क्या बात हुई है। लेकिन फोन सिर्फ पीछे से डैमेज है, आगे से बिल्कुल नहीं है। इसका ये देखो। अच्छा कल मुझे एक बात और बता दो, ठीक है? आप इसका ये देखो। अच्छा कल मुझे एक बात और बता दो, ठीक है? लोगों बल्कि लोगों को ही बता दो जो यूँ कह रहे हैं कि 300 भाई ना गाड़ी मारी है, आप ही बता दो कि उनकी बॉडी पे क्या क्या डैमेज है उसके हिसाब से, अगर 300 ही थी गाड़ी। देखो मैं 11 साल की उम्र से गाड़ी जी और सुपर बाइक ही चला रहा हूँ, वो जमाने से बाइक चला रहा हूँ, जब यहाँ हमारे यहाँ अंग्रेज बैन थे। ये 300 पे तो नहीं था पहले, तो इसको आप दिमाग से लगा। बिल्कुल ठीक, अगर 300 का एक्सीडेंट होता ना तो इंजन कहीं पड़ा होता, चेसिस कहीं और होता, हैंडल कहीं और होता, टायर कहीं खेत में पड़े होता है। ये अब जितने भी उतने बातें जितने यूट्यूब चैनल सबके अपने अपने कंटेंट है, बना लो जब अब हर कोई बना सकता है। सही बात, कोई लिखेगा 300 के पास, कोई लिखेगा 290, किसको सच माने। लेकिन वहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। मेन असल बात है कि इसको गाड़ी की अगर पूरी वीडियो चाहिए तो मैं आपको पूरी गाड़ी की वीडियो दे सकता हूँ। गाड़ी 100, 120, 130 भी हो सकती है, 150 भी हो सकती है। भाई की बॉडी में कोई भी डैमेज नहीं है इसके हिसाब से, बस वही है उसकी पूरी बॉडी में कहीं कोई नहीं। क्या रहेगा 300 से, बस 300 सिर्फ बंदा गिरेगा तो भाई ब्रोकेज भी तो होगी। सिर्फ हेलमेट तो हम भी चलाते हैं, सर की इंजरी है वो भी हेलमेट के बावजूद, मतलब कुछ चढ़ के नहीं गया कुछ, ये लग रहा है किसी ने हिट एंड रन का केस है। पहले देहरादून कैनॉट प्लेस जी, अंकल जी का रोड कैनॉट प्लेस चक्रोता रोड देहरादून। तो भाई अब हम आपको एक और चीज दिखा रहे हैं, तो भाई ये है अगस्त्य का हेलमेट। तो अब गाइस देखो यार ये हेलमेट है, ठीक है? और ये हेलमेट जो है ना ये देखो पूरी तरीके से फट चुका है, देख रहे हो आप, ये ना फट चुका है। तो ये हेलमेट जो है ना ये 300 की स्पीड पे क्रैश नहीं हुआ है, ये हेलमेट जो है ना किसी ने इस पर गाड़ी चढ़ाई है। आप इसकी हालत देख रहे हो, ये हेलमेट फटा हुआ है, टूटा नहीं है, टूटा हुआ है, हिट हुआ है और ऊपर से फिर कुछ चढ़ के गया। तो ये जो हेलमेट है ना फटा हुआ है। और जो स्पीड वाली वीडियो है ना वो कम से कम 3-4 दिन पहले की, आप लोग अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं तो पिछला वीडियो देखो, उसमें वो दिखा रहा है कि देखो मैं चल रहा हूँ हवा के झोंके मुझे पीछे खींच रहे हैं, हो नहीं पा रहा है, 270 तक जा रहा था वो, मैं देख रही थी उसको मैं पे नहीं हो पा रहा है, वो उसे कूप पे चढ़ा रहा था और वो ना रुक गया। उसके बाद वो वापस आए, उस टाइम उसका बैग भी पहना हुआ था उसने, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ ना, जब इसका एक्सीडेंट हुआ इसके पास बैग नहीं था, वो होटल में था। तो आप बताइए दोनों चीजों को आपने कैसे एडिट किया है, बताओ, झूठ बोलने की बच्चा स्पीड में था। तो भाई गाइस देखो जो मेरे को पता चला है और जो अपडेट मिला है पुलिस का और आमिर का, दोनों का कहना है कि एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था। तो यार अगर एक्सीडेंट सुबह के 10 बजे हुआ था तो फैमिली को 1 बजे क्यों कॉल करके क्यों बताएगा? उसके बीच का जो टाइम था उसके बीच आप क्या कर रहे थे? स्टोरी क्रिएट कर रहे थे कि हाँ ये बोलेंगे अगर हमसे ये हो गया है, और आप लोग स्टोरी क्रिएट कर रहे थे। और दूसरा जो गाड़ी में 2 कैमरे थे, इंस्टा 360 और GoPro 11, ठीक है, दोनों ही कैमरे गायब है, बिल्कुल झूठ है। आप अपने भाई को सपोर्ट करो और उसे जस्टिस दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। तो भाई
आप अपना आप देखो कि कोई 300 की स्पीड में कोई गाड़ी नहीं थी, 100 की स्पीड में भी नहीं होगी जहाँ तक हमें गाड़ी की कंडीशन आप एंड 300 की स्पीड से ना हेलमेट के ये हाल नहीं होते और कैमरे नहीं, और कैमरे के साथ साथ वहाँ पे क्या बोलते गाड़ी का एग्जॉस्ट भी गायब, एग्जॉस्ट भी बड़ी बात है। चलो कैमरा छोटी मोटी बात, पहले बात तो कैमरा खुला खोल रखा था, वो जो खोला हुआ तो टूटा हुआ तो अलग ही दिखता है, और कैमरे के साथ साथ खुलता भी नहीं है यार, किसी में खुलता ही नहीं, हमें नहीं मालूम इसमें से भी कैमरा खोल के निकाला गया यार। बिल्कुल कैमरा खोल के निकाला है और एग्जॉस्ट गाड़ी का एग्जॉस्ट भी गायब है भाई, यहां से सब कुछ ये गायब, कैमरा खोल के निकाला गया पूरा। बिल्कुल बिल्कुल ये साजिश है पूरी, पूरी स्ट्रैप ही नहीं है, माउंट स्ट्रैप ही नहीं है, स्ट्रैप ही नहीं है पूरा इसमें, तो देखो भाई पूरा स्ट्रैप गायब, अगर आप देख सकते हो ना इसमें से पूरा माउंट का स्ट्रैप गायब है, ये पूरा कैमरा ना स्ट्रैप समेत खोल के निकाल लिया गया है, क्योंकि उसमें एविडेंस था, उसमें पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग थी, और इंस्टा 360 तो आपको पता ही है चारों तरफ से रिकॉर्ड करता है, उसमें ये तक पता चल जाता है गाड़ी को हिट किसने किया है और उसके बाद क्या हुआ है, तो ये दोनों एविडेंस गायब है यार। अगर किसी को कहीं कैमरा इन केस रोड पे भी मिलता है, कहीं पे मिलता है, तो यार वो हमें कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, हम अपने आप उसमें से फैमिली को पहुँचा देंगे कैमरा, वो बहुत ज़रूरी है। जो अगस्त के पापा ने और उनकी सिस्टर ने हमें बोला कि आप ये दिखाओ अपने वीडियो में, क्योंकि हेलमेट देख के लग नहीं रहा है कि उस वो 300 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, खुद चेक करना, हेलमेट पे ना एक भी निशान नहीं है ब्लड का, अंदर से हमने खुद अपने हाथ से चेक करा, हमने आंखों से देखा है, कोई ऐसा निशान नहीं यार, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ये हिट एंड रन का केस है या किसी ने उसके साथ कुछ गलत मिसहैपनिंग करी है, जो भी करा यार हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। और अंकल जी की ना एक और रिक्वेस्ट है, अंकल जी की ये रिक्वेस्ट है, उसकी फैमिली की भी ये रिक्वेस्ट है कि भाई जिसे भी उसके जो इंस्टा 360 और GoPro जिसे भी उसका मिला है ना, तो प्लीज वो आप ना, आपसे रिक्वेस्ट है, अंकल जी ने अपना नंबर भी दिया है, तो आप उसे वापस कर दीजिए। GoPro जो कैमराज है वो आप रख लीजिए, हमें सिर्फ क्लिप्स चाहिए, क्लिप्स इसलिए चाहिए कि उसमें ना उनके बेटे की, हमारे भाई की लास्ट की जो मेमोरीज है ना वो है, तो सिर्फ हमें इसलिए वो वीडियोस चाहिए, तो प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को भी कैमरा मिलता है तो आप प्लीज वो चिप हमें दे दीजिए, एड्रेस वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।